इनका प्रश्न है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। इस पर वैसे हम कई बार बोल चुके हैं, YouTube पर बहुत सारे डिस्कोर्सेज हैं, बट आई विल आंसर योर क्वेश्चन ब्रीफली। मन जो है उसकी बात सुनता है जिसकी बात सुनने के लिए मन को आदि कर दिया जाता है। मन को हर चीज सिखानी पड़ती है, बस एक जिद है जो ये सीख सिखाया है। जिद के अतिरिक्त मन को सब चीज सिखानी पड़ती है, जिद करनी नहीं सिखानी पड़ती। ये वो जिद्दी बच्चा है जो पैदा ही ऐसे हुआ है। मन यदि सुख का आदि हो जाए तो दुखी नहीं रह सकता, यदि दुख का आदि हो जाए तो सुखी नहीं रह सकता। जिसको दुख की आदत हो जाए, उस व्यक्ति को आप सारे सुख लाकर उसके चरणों में धर दें, फिर भी वो कहेगा वो दिन थे ना जो पुराने, क्या बात थी उनमें, या काश ये भी होता, काश वो भी होता। जो पड़ा उसको तो संभाल लो, वो संभलता नहीं। जब हम इस बात की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, इस पथ पर अग्रसर होते हैं कि हम मन की ना सुनकर मन हमारी सुने, तो हमारी इच्छा शक्ति जो है निरंतर बलवान होती चली जाती है। घोड़ा कितना ही मचला हुआ क्यों ना हो, कितना ही बिदका हुआ क्यों ना हो, यदि घुड़सवार निपुण है, दक्ष है, तो वो उसको काबू में कर ही लेगा। जो दशरथ हैं, वो दस रथ जो हैं, दशरथ ने राम को वनवास में भेजा और दशानन को राम ने जाके हनन किया। कुछ तो लिंक होगा, सोचिए। एक तरफ दस इंद्रियां, एक तरफ है दशानन, एक तरफ वो व्यक्ति जिसके दस रथ हैं, दस जगह से वो सुख की अनुभूति ले रहा है, एक तरफ वो व्यक्ति जिसके दस सर हैं, दस ढंग हैं उस व्यक्ति के पास सोचने के। और र जो शब्द है उसका अर्थ ही प्रकाश है, और म अर्थात मैं, जब प्रकाश को धारण कर लिया, जब दशरथ जो है कौशलता को धारण करते हैं, कौशल्या को, तब जाकर राम का जन्म होता है। अब प्रश्न है कि इसमें इच्छा शक्ति कहां से आई। अगर आप एक छोटा संकल्प लेते हैं, मात्र अगले 4 घंटे में ये नहीं करूंगा, या अगले 4 दिन में वो नहीं करूंगा, तो आपका जो मन है वो और दृढ़ होगा। यदि आप कहेंगे पूरा जीवन में कुछ, मान लीजिए फला फला चीज नहीं करूंगा, वो संभव नहीं है। जब जब आप कोई संकल्प लेकर पूरा नहीं करते, तब तब इच्छा शक्ति जो है क्षीण होती है। जब जब इच्छा शक्ति क्षीण होगी, तब तक जो है मनुष्य का जो स्वयं पे एक आत्मविश्वास होता है ना, स्वयं पे एक विश्वास होना, वो न्यून होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो यदि इच्छा शक्ति बढ़ानी है, तो एक चीज को पकड़ो जीवन में जिसको आप सुधारना चाहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, कुछ भी, एक चीज को पकड़ो। अगले 40 दिन मैं ऐसा ही करूंगा, या मैं ऐसा नहीं करूंगा, या एक ही हफ्ते का संकल्प लिया जाए। आप मानेंगे नहीं, आप करके तो देखिए। एक संकल्प लेने के बाद जब दूसरे पर आएंगे, एक बहुत ही आसानी से कर पाएंगे उसको। हो सकता है उसकी गुणवत्ता को आप ना इतना बनाकर रख सकें, क्वालिटी को, पर आप संकल्प नहीं टूटेगा आपका। उसी से इच्छा शक्ति बढ़ती है, और उसके क्षीण होने का एकमात्र कारण यही है, एकमात्र, देखिए कितनी बड़ी मैं बात बोल रहा हूं, इच्छा शक्ति के क्षीण होने का एकमात्र कारण आलस्य नहीं है, क्षमता का ना होना नहीं है, या
उत्साह का ना होना नहीं है, उसका एक मात्र कारण है जब आप कुछ कहकर नहीं करते हो तो इच्छा शक्ति जो है क्षीण होती है, इच्छा बल जो है कम होता है। इतना सा उत्तर है।